बताना प्रोग्राम से पहले हम मुनासिब समझते हैं। तरफ के भी कुछ कंसर्न हैं, जैसे हम लोगों ने इससे पहले जो मार्शल से बातचीत की थी उसमें वो बात आई थी, तो अभी हमारी पूरी इस मौके पर जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके एक जो तय कर लेंगे, हम लोग को 21 तारीख को जलसे के दिन सबको मिल के सक्सेसफुल बनाने के लिए सब हमारी खुशी बांटने से बढ़ती है। हमारी कोशिश यही होगी कि ये जरूरी है कि जो लोग भी जलसे में हैं, जुलूस में हैं, वो पुलिस के द्वारा दिए गए जो भी निर्देश हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फॉलो करें और उस सबको सक्सेसफुल बना के हम प्रोग्राम को। मैं इमरान पाशा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आए। मैं रफी पाशा से साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पे आए। के एहतमाम के हवाले से जो जलसों और जुलूसों के एहतमाम की शक्ल में और मुख्तलिफ खुशी के इजहार की जो कुछ शक्लें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ आज सलार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में मिलादुल नबी अल शरीफ के लिए जो सिटी पुलिस के तरफ से इंतजाम किए गए और ख़ास करके पुराने शहर में जो सभी ऑफिसर्स हमारे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर जो प्लानिंग की है उसके बारे में गुफ्तगू की गई। मिलादुल नबी अल शरीफ एक ऐसा दिन है, एक ऐसा मौका है जो हैदराबाद के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। जो हैदराबाद शहर में जुलूस अलग अलग तंजीमों के तरफ से मिलकर इकट्ठे होकर मक्का मस्जिद से निकलती है और करीब 7-7.5 किलोमीटर का जुलूस 5-6 घंटे के बाद नबी के शान में अपने अपने खुशी की इजहार करते हुए सभी लोग खास करके साउथ जोन और वेस्ट जोन में कई सालों से एक ट्रेडिशनल के तरह यह फेस्टिवल होता रहा है। हमारे डिपार्टमेंट के हर वर्टिकल लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, क्राइम विंग, सिटी सिक्योरिटी विंग, हर लोग मिलकर एक साथ शरीक होकर एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें पब्लिक को किसी तरीके की कोई दिक्कत न हो। हर साल की तरह इस बार भी इंतजाम किए गए हैं जिसमें लगभग 1400 से 1500 ऑफिसर्स खास करके इसी चीज़ में लगे रहेंगे। ऐसे मौके पे मीडिया और प्रेस के तरफ से मैं एक अपील भी करना चाहता हूँ। ये बहुत खुशी का मौका है, बहुत अच्छा दिन है। इसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल की ट्रिपल राइडिंग करके या रैश तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, बहुत हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चलाना, ऐसी गुस्ताखी करते हैं जिससे कुछ लोगों को एक्सीडेंट होता है और चोट भी लगती है। ऐसे मौके पे एक्सीडेंट होना, चोट लगना बहुत दुख की बात है और हमारे हिसाब से ये हम लोग सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है, आप सब के ऊपर ये जिम्मेवारी है। आप खास करके जो बुज़ुर्ग हैं, जो एल्डर जनरेशन के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है कि इसको बाइक रेसिंग का दिन ना बना दिया जाए। बाइक रेसिंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। पिछले साल भी कुछ लोगों को चोट लगी थी, छोटे छोटे बच्चों को चोट लगी थी और ये बहुत तकलीफ़ की बात होती है। दूसरी चीज़, सुबह से लेकर शाम तक हमारे डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर आप लोगों के सर्विस में, आप लोगों के इंतजाम के लिए हर जगह मौजूद हैं। अगर कहीं कुछ गलत चीज़ आप लोगों ने देखा है
तो फौरन उसको जो भी लोकल पुलिस ऑफिसर हैं प्रेजेंट, पेट्रोल कार, ब्लू कोल्ड, SHO, DCP साहब, उसको उनको तुरंत बताएं और हम लोग सब फौरन कार्रवाई उसके लिए करेंगे। ऐसे मौके पे सबसे पहले तो मैं आज यहाँ सलारजंग म्यूज़ियम में जो बुज़ुर्ग लोग आए, सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी ऑफिसर की तरफ से हैदराबाद की आवाम को ये तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि मिलादुल नबी अल शरीफ के दिन हम लोग सब आपके खुशी में शरीक हैं। हमारी सब मेहनत, सभी इंतज़ामात आपकी कंफर्ट, आपके आराम के लिए है। हम लोग मिलकर इसको मनाएं, इस तरीके से रखें जिसमें कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस फॉर रोड एक्सीडेंट हो। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यही होगी कि उस दिन किसी बच्चों को किसी तरीके का चोट न लगे। थैंक यू सो मच सर। मेरा